हैदर, क्या इंडिया आने की कोई प्लानिंग कर रहे हैं आप सीमा से मिलने? जी सर, मैं हर आला अदारों तक जाऊंगा। पाकिस्तान जी वजीर आजम को, वफा की वजीर है, बिलाल साहब को, आसिफ अली दरदारी साहब को, और भारत की सरकार को कि इस बात को गौर किया जाए, नरेंद्र मोदी सरकार को और योगी सरकार को, चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर दोनों को मैं अपील करता हूँ हाथ जोड़ के। इस मामले गुलाम, इस मामले में आप सिर्फ अपील करेंगे या फिर आपका भारत आने का, पाकिस्तान वापस लौटने का कोई प्लान है? कैसे आप आगे बढ़ाएंगे इस मामले को? आप कह रहे हैं आप चाहते हैं सीमा आपके पास वापस आए। जी आज को देखेंगे कि क्या हो रहा है आगे। जी जी, जैसे बात आएगी फिर आगे आप लोगों को हम शेयर करेंगे, तो इंशाल्लाह सब कुछ ठीक। सीमा, यही सवाल आपसे कि अगर हैदर इंडिया आ गए आपके आमने सामने बैठकर बात करने के लिए, फिर क्या करेंगी आप? आपका जवाब क्या होगा? तभी मैं इनसे तलाक, तभी तो, तब तो और अच्छा होगा, मैं सामने बैठ के इनसे डिवोर्स ले लूंगी। अगर ये नहीं मान रहे कि डिवोर्स, मुजबानी डिवोर्स नहीं मान, भारत से भी आऊंगा, भारत से भी आऊंगा, उनको गुजारिश करूंगा। तुम किसी और की पत्नी को नहीं ले जा सकते बगैर उसकी मर्जी के? जब मेरी मर्जी है नहीं, सिर्फ मेरी एक रिक्वेस्ट है, सिर्फ एक रुकते हैं, कब तक, जब तक केस को जांच किया जा रहा है, सीमा को अलग रखा जाए। ये मैं मोदी सरकार को, योगी सरकार को, दोनों को हाथ जोड़ के नहीं करता हूँ, जब तक ये केस नहीं, की भी नहीं। इनको अलग कभी भी नहीं, नहीं क्या तेरे कहने से होगा क्या? हुकूमत को कह रहा कहीं भी नहीं, क्यों रखा जाए? मैं अपने पति के साथ खुश हूँ, कह रहा हूँ देखा जाए, देखा जाए आज से, आज अलग फुल फोरम रखा जाए। सीमा, सवाल बच्चों का भी है, बच्चों के ऊपर हैदर भी अपना हक बता रहे हैं। सीमा, बच्चों के ऊपर हैदर भी अपना हक बता रहे हैं, कह रहे हैं कि बच्चों पर उनका भी हक है। ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है जी। अगर मेरे बच्चे हैं, इनके पास नहीं जाना, क्यों इनके दो बच्चे हैं, उन पे हक क्यों नहीं जता रहा, उनके पास क्यों नहीं जा रहे, उनको क्यों नहीं पढ़ा रहे, उनको क्यों नहीं पैसे दे रहे, क्या ऐसे बाप होते हैं? वो बच्चों के पास जाए ना पहले, तो वो बच्चों के पास क्यों नहीं जा रहे? लेकिन अभी अभी जो बच्चे हैं, उन बच्चों का ध्यान नहीं रख सकता, अभी जो बच्चे हैं उन पर वो अपना हक बता रहे हैं कि वो बच्चे मेरे भी हैं। जब उन बच्चे, हाँ इनके भी हैं, पर बच्चे जब तक बड़े नहीं हो जाएंगे इनके पास नहीं जाएंगे, और ना ही बच्चा, हाँ बच्चे की मर्जी से पूछ लें, बच्चे अगर जाना चाहते मैं मना नहीं करूंगी बच्चे इनके पास जाएं, अगर बच्चे नहीं जाना चाहते तो जबरदस्ती कोई नहीं। नहीं, आप ये कह रही हैं कि अगर बच्चे उनके साथ जाना चाहेंगे तो आप जाने देंगी, आप ये कह रही हैं? हाँ मैं जाने दूंगी बिल्कुल सर, अगर मेरे बच्चे मेरे बगैर रह सकते हैं, इनके साथ रहेंगे और ये ध्यान रखेंगे, खुश रखेंगे, तो मैं मना नहीं करूंगी, ले जाए बच्चे, पर मैं तब भी नहीं जाऊंगी। हैदर, सुना आपने मुझे और लगता बच्चे है। दूसरी बात सर, जी, जी, बच्चे इनके साथ प्यार नहीं करते। हैदर, बच्चों को लेकर आप प्यार नहीं करते, सीमा साफ कह रही है। जब माँ कह रहे हैं, माँ ने पट्टी पढ़ाया 2 महीने, ठीक है, बच्चों का मैं कुछ भी बात नहीं करना चाहता, बच्चे बच्चे नासूम है, उनको ऊपर कोई जोर नहीं है कि हाँ उनमें क्या पता कि अभी हिंदू धर्म में, मुस्लिम धर्म में, ये मुझे बच्चों को मैं ना आऊंगा और गंगा लेके जाऊंगा, ये इसको बड़ा ये सजा होना चाहिए। हैदर, आपको बच्चे अपने कैसे बोल सकता है ये? आपको अपने बच्चे गंगा ना आ सकता है ये? हैदर, आपको अपने बच्चे चाहिए कि नहीं चाहिए? ये तो छोटे, हमको ये पता भी नहीं है, हम हिंदू धर्म में हम मुस्लिम धर्म में है, ये बच्चे कैसे, आप बताइए। नहीं, वो बात सही है कि बच्चों को ये, आपकी बात सही है, लेकिन क्या आपको बच्चे चाहिए कि नहीं चाहिए? क्योंकि सीमा तो कह रही है कि अगर बच्चे जाएंगे तो अच्छी बात, अगर वो ध्यान से रखे तो ले जा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। नहीं, ये भी आएगी, बच्चे भी आएंगे, मैं तो सीमा मेरा घर वाली नहीं, कैसे छोड़ सकता हूँ? नहीं, क्योंकि अब तक आप टीवी 9 से जब तक बात कर रहे थे, आप इस बात को लेकर काफी ज्यादा दुखी थे, आहत थे कि मेरे बच्चों को ले गई सीमा और मुझे बताया तक नहीं, मुझे पता तक नहीं चला। अब सीमा ये कह रही है कि अगर बच्चे आपके साथ जाना चाहेंगे तो वो रोकेंगी नहीं, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपका क्या रिएक्शन? नहीं रोकेंगे नहीं, बच्चे तो आएंगे ही आएंगे, सीमा भी आएगा, बच्चे तो आएंगे ही आएंगे, कोई भी कानून नहीं कह सकता कि बच्चे उनके साथ रहें, ये तो देख क्लियर है, ये तो क्लियर बात है, बाकी सीमा भी आएगा जो, हाँ इसके कोई सजा है भारत सरकार से, अगर सीमा की जगह सजा मुझे दे, सीमा को आजाद, भारत सरकार का कानून भारत के लोगों पे ही लागू होता है हैदर साहब, सजा दे हैदर साहब, भारत का कानून भारत के लोगों पर लागू होता है, अभी सीमा की नागरिकता भारत की नहीं है। मैं तैयार हूँ, मैं आऊंगा, मैं जेल काटूंगा, बच्चों को बोलूंगा तुम जाओ पाकिस्तान।
अगर इसको सजा हो रहा है सर आंख उठे, इसको हम भारत की सरकार का हर चीज मानते हैं, अगर इसको सजा है तो बच्चों को हमारे को सीमा करे जब तक सीमा का सजा। सीमा आप सुन रही हैं, वो कह रहे हैं कि भारत सरकार कानून के हिसाब से काम करे, आपके ऊपर भारत सरकार का अभी कानून लागू नहीं हुआ, कम से कम शादी ब्याह या तलाक के मामले में। तो फिर ये कैसे तय होगा? अगर मुझ पर कोई क्राइम होता है जी, ठीक है सर, ये इनकी चाल आप समझ नहीं, सिर्फ मुझे बुलाने के लिए सब कर रहे हैं, आप समझ नहीं रहे। दूसरी बात, अगर मुझ पर कोई होता है, अगर बच्चे इनके पास अभी भी देखें, इनको दिक्कत यही है कि मैं सचिन के साथ हूँ और ये सब हो रहा है, इनको इसी बात से दिक्कत है और किसी बात से दिक्कत नहीं है, आप समझ नहीं रहे। मैं समझ रही हूँ, मैं जानती हूँ। जब तक केस की सुनवाई नहीं आ रहा है, पुलिस की कस्टडी में होना चाहिए, जो सरकार बोलेगा हम मान लेंगे, पुलिस के कस्टडी में कम से कम होना चाहिए। केस क्लियर हो गया है, एक चीज रहती है बस, कन्फर्म होना रहता है। ठीक हैदर, आप अपनी बात कह रहे हैं, सीमा भी अपनी बात कह रही है, अभी तक की बातचीत में एक ही चीज निकली है, सीमा पाकिस्तान नहीं जाना चाहती और हैदर चाह रहे हैं कि सीमा बच्चों के साथ पाकिस्तान आए। अब देखना होगा इस पूरे मामले में आगे किस तरीके से, ठीक है, लेकिन वो तैयार नहीं है। देखिए कुल मिलाकर बात यही है कि वो अभी तैयार तो नहीं दिखाई दे रही हैं, नेशनल टीवी पे वो साफ कह रही हैं कि वो पाकिस्तान वापस नहीं जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे बातचीत करने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए।